चाहिए कांग्रेस का टिकट तो 11,000 रुपए के साथ आवेदन कीजिए। ये आदेश जारी किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहने वालों को 11,000 रुपए नकद देने होंगे। बता दें कि आवेदकों से ये रकम सहयोग राशि के रूप में ली जा रही है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को इस बाबत एक सर्कुलर भी जारी किया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अजय कुमार लल्लू की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और प्रदेश स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जन शिकायत प्रकोष्ठ के सचिव संजय शर्मा को अधिग्रहित किया गया है। सभी आवेदक जिला व प्रदेश स्तर पर इन अधिकृत लोगों के पास अपना आवेदन पत्र 11,000 रुपए की राशि के साथ जमा कराएंगे। ये सहयोग राशि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम चालू खाते में जमा की जाएगी। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि टिकट के लिए आवेदन करने वालों से ये राशि पार्टी फंड में सहयोग के तौर पर ली जाएगी, ये पार्टी का फैसला है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।